नमस्कार प्रणाम, मैं योगाचार्य पर्व आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ के ऊपर। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे आसन के विषय में जो शेर से बना है, शेर के आकार को देखते हुए, शेर की दहाड़ को देखते हुए बनाया गया है। इस आसन को करने से आपके अंदर शेर जैसी स्ट्रेंथ आएगी, शेर जैसी ताकत आएगी, शेर जैसे गुण आएंगे। इस आसन का नाम है सिंहासन। जैसे इसका नाम है वैसे ही इसके शरीर के ऊपर प्रभाव हैं। इस आसन को हर व्यक्ति कर सकता है, बूढ़े से लेके बच्चे तक सभी लोग कर सकते हैं। इसके फायदे सभी के लिए इक्वल हैं, इसीलिए इस आसन को एक निरापद आसन भी बोला जाता है। इस आसन के विषय में महर्षि गेरंड अपने ग्रंथ गेरंड संहिता में लिखते हैं, सिंहासनम भवेत सर्व व्याधि विनाशकम। सर्व व्याधि विनाशकम मतलब सभी रोगों का नाश करता है, इतना श्रेष्ठ इस आसन को बताया गया है। देखिए, सबसे पहले इसकी विधि जान लेते हैं, विधि के बाद में इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे, लास्ट में आपको बताएंगे इसकी सावधानियाँ। सिंहासन करने के लिए सुबह का वक्त सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, नीचे ज़मीन के ऊपर बैठ के इस अभ्यास को ना करें, आपको उसके लिए एक मैट या फिर एक दरी की आवश्यकता होगी, उसका यूज़ आप कर सकते हो। सिंहासन करने के लिए सुबह का समय श्रेष्ठ माना जाता है, जिस समय सूर्योदय होता है। सूर्योदय के समय अगर इस अभ्यास को करोगे तो इसके फ़ायदे आपको सबसे अधिक मिलेंगे। सबसे पहले इसकी विधि जान लेते हैं कि किस प्रकार से इस अभ्यास को करना है। देखिए, सिंहासन करने के लिए आपको वज्रासन में बैठने की ज़रूरत होगी। वज्रासन की स्थिति में आ जाएं, दोनों घुटनों को इस प्रकार से सामने से खोल लेंगे, कमर सीधी रखें, दोनों हाथों को हथेलियों को इस प्रकार से रखें, उल्टा इस प्रकार से रखा। उसके बाद जिह्वा को बाहर निकालेंगे और शेर जैसी गर्जना पैदा करेंगे। दोनों आँखों की स्थिति भूमध्य में रहेगी, दृष्टि आपकी भूमध्य में रहेगी या फिर नासागर के ऊपर। या तो नाक के ऊपर अपनी दृष्टि को रखें या फिर दोनों आँखों को भूमध्य में रखें। इससे सांभवी मुद्रा लगेगी और यह आज्ञा चक्र के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद अभ्यास बन जाता है। तो इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को रखें, यह स्थिति आपकी रहेगी। जिह्वा को बाहर निकालें, इस प्रकार से इस अभ्यास को करना है। श्वास जैसे बाहर छोड़ोगे, शेर जैसी गर्जना पैदा होगी। अब ये है तो एक आसन, लेकिन श्वास और गर्जना जब आप पैदा करते हो, श्वास के साथ में एक ध्वनि पैदा करते हो, तो ये प्राणायाम और आसन का एक संयोजित प्रैक्टिस बन जाती है। इसलिए ये अभ्यास और भी श्रेष्ठ बन जाता है। ऋषि इसके बारे में इसलिए विशेष तौर पर लिखते हैं। सामने की साइड से भी देख लें कि किस प्रकार से इस अभ्यास को करना है। इस प्रकार से हथेलियाँ रखी, ये स्थिति आपकी होगी। जिह्वा को बाहर निकाला, दोनों आँखों को यहाँ रखा या फिर यहाँ रखा। दृष्टि आपकी या तो नाक के ऊपर होनी चाहिए या फिर दोनों भौहों के बीच के अंदर भूमध्य में। करने के उपरांत एक दो बार अपने गले को मसाज देंगे, दोनों हाथों को घर्षण करें, गले को हल्का सा सहला देंगे। तो ये इसका पूरा अभ्यास था। इस अभ्यास को अगर सुबह सूर्योदय के समय किया जाए तो सूर्य की किरणें आपके गले पे पड़ती हैं, आपके जिह्वा के ऊपर पड़ती हैं। इससे आपका जो बोलने का जो सिस्टम है वो सुधरता है, मतलब आपका वोकल कॉर्ड सुधरता है, आपकी बोलने की कला सुधरती है। जिन लोगों की आवाज़ साफ़ नहीं होती, जो तुतला के बोलते हैं या फिर जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं जो लोग, या फिर जिनको अपनी स्पीकिंग स्किल, अपनी आवाज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, इस प्राणायाम को करना शुरू करें। जो लोग सिंगर हैं, गाते हैं या फिर ओपनली जो लोग बोलते हैं, उन लोगों को इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। बहुत जल्दी ये रिज़ल्ट दिखाता है। बच्चे भी जो तुतलाते हैं, आवाज़ साफ़ नहीं होती जिन बच्चों की, तो उनको ये अभ्यास करवाएं माता पिता। इसके अलावा ये आसन आपके तीनों बंधों को एक्टिव करता है, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, तीनों को एक्टिव करता है। साथ ही आपका मणिपुर चक्र इसको स्टिमुलेट करता है। जब आप इस अभ्यास को करते हो तो आपने महसूस किया होगा, जब आप करोगे तो महसूस करोगे कि गले के अंदर विशेष तौर पे कंपन पैदा होता है, एक तरंगे पैदा होती हैं। तो उसी कंपन की वजह से आपकी गले के अंदर स्थित दो ग्लैंड्स, थायराइड एंड पैराथायराइड, दोनों के हार्मोनल सिक्रेशन को बैलेंस करता है। अब थायराइड की वजह से ही देख लीजिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने सारे लोगों को थायराइड की वजह से मोटापा बढ़ जाता है। थायराइड अगर हार्मोनल बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में बढ़ जाए तो वेट कम हो जाता है, और थायराइड से संबंधित बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो समझ लीजिए ये आसन थायराइड के लिए एक विशेष अभ्यास है, थायराइड के लिए सबसे श्रेष्ठ अभ्यासों में माना जाता है।
इसके अलावा आपके गले की मसल्स और फेशियल मसल्स के लिए सबसे बेहतरीन अभ्यास है। आपके फेस पे बढ़े हुए फैट को, चर्बी को कम करेगा। जिन लोगों को डबल चिन की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये बहुत श्रेष्ठ अभ्यास है। फेस की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ाता है तो फेस के ऊपर इससे ग्लो आएगा। तो जिन लोगों की डेड स्किन हो चुकी है, स्किन के ऊपर झुर्रियाँ आ चुकी हैं, गले के ऊपर झुर्रियाँ आ चुकी हैं, इस अभ्यास को करना शुरू करें, श्रेष्ठ अभ्यास बताया गया है। तो इतने सारे फायदों के साथ साथ इस आसन का एक फ़ायदा और है कि जब हम आज्य चक्र लगाते हैं तो ध्यान के अभ्यासों के लिए, एकाग्रता के लिए ये अच्छा अभ्यास माना जाता है। इस अभ्यास को करने से अगर इस अभ्यास के दौरान आप अपनी दृष्टि जो है वो भूमध्य में रखते हैं या फिर नासागर के ऊपर रखते हैं तो इससे आपकी आज्य चक्र स्टिमुलेट होता है, आज्य चक्र की शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये पूरा अभ्यास था, इस अभ्यास को करके देखें, अपने अभ्यासों के अंदर इस अभ्यास को भी ऐड करें। ये अभ्यास श्रेष्ठ है, बहुत साधारण आसन है और लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं, इसलिए इस आसन को श्रेष्ठ आसनों की श्रेणी में रखा जाता है, सिंहासन। तो इसके साथ में आपके क्या अनुभव रहे वो ज़रूर लिखें, करने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ, क्या फ़ायदे मिले, क्या कैसी चीज़ें रही, ज़रूर शेयर किया करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू है, अपना डाइट प्लान आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप लोग अपना डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान ले सकते हैं, क्योंकि योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी सबसे श्रेष्ठ और प्राचीन वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती हैं, शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए स्वस्थ बनाती हैं। तो योग आयुर्वेद को अपनाएं, अपने जीवन को, अपने परिवार को, सबको स्वस्थ बनाएं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक किया करें, अपना प्रेम ज़रूर दिखाएं। अगला वीडियो किस विषय के ऊपर देखना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।